नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो लेके आए हैं, उत्तर प्रदेश में वेरियस पोस्ट आई है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। उसका एक क्विक रिव्यू, कितनी वैकेंसी है, क्या क्या पोस्ट हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनी रत्ना कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जीटी रोड, कानपुर, यूपी। दोस्तों, तो जो ये कंपनी है कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसमें वैकेंसी आई है, डेट 4/6/2020 नोटिफिकेशन डेट है। दोस्तों आइए पोस्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट है, मैनेजर PA/PA में पोस्ट है, मैनेजर फाइनेंस में पोस्ट है, डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग, इंटरनल ऑडिटर, जूनियर मैनेजर प्रोडक्शन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, अकाउंटेंट, जूनियर स्टोर कीपर, QC असिस्टेंट कम टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क असिस्टेंट, मिली राइट, प्रेस ऑपरेटर, मैकेनिस्ट, सैम्बल, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, पेंटर, इस तरह की टोटल 31 पोस्ट हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ जो रिसेप्ट एप्लीकेशन है वो 13/7 यानी कि 13 जुलाई 2020 है। आइए दोस्तों नीचे देखते हैं, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो जनरल मैनेजर के लिए आपको पास फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। मिनिमम 18 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। दोस्तों मैं आपको एक क्विक रिव्यू कर देता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम आराम आराम से हर एक पोस्ट को लेकर चलेंगे। मैनेजर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको MBA होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल HR IR मैनेजमेंट में विद 55% मार्क के साथ। मिनिमम 12 ईयर का एक्सपीरियंस माना है। मैनेजर की पोस्ट के लिए भी आपको CA या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से पास आउट होने चाहिए आप। डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग के लिए डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल में या फिर प्रोडक्शन विद मिनिमम 50% मार्क ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इंटरनल ऑडिटर की बात करें तो पास्ट फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। जूनियर मैनेजर प्रोडक्शन के लिए इंजीनियर होनी चाहिए आपके मैकेनिकल में या फिर प्रोडक्शन में या फिर केमिकल में विद 55% मार्क के साथ। दोस्तों अगर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की बात करें तो आप उसमें एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए आपके पास, MBA, HR पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। दोस्तों एक सेकंड, ये थोड़ा PDF नीचे चली गई है तो हम इसको दोबारा से, कॉस्ट अकाउंट मैनेजर के पास ये होना चाहिए, मैनेजर फाइनेंस के पास अब पास होने चाहिए फाइनल एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ CA। दोस्तों जिन्हें मार्केटिंग के बारे में बात करें तो रिकॉग्नाइज इंजीनियर डिग्री इन मैकेनिकल होनी चाहिए। इंटरनल ऑडिटर की बात करें तो आप फाइनल एग्जामिनेशन CA के पास होनी चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ज़्यादातर पोस्ट में आपको CA मांगी गई है इसमें क्योंकि ये सीनियर पोस्ट हैं। अगर हम लोअर पोस्ट की बात करें जैसे कि अकाउंटेंट में ग्रेजुएट इन कॉमर्स होनी चाहिए या फिर 4 ईयर फील्ड अकाउंटिंग फंक्शन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम स्टोर कीपर की बात करें 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर या फिर ग्रेजुएट विद 55% मार्क, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट PSU या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। असिस्टेंट कम टेक्निकल के लिए 3 ईयर का मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा होना चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर क्लर्क या असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके अलावा टाइपिंग आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट और 4 साल का एक्सपीरियंस। मेरी राइट के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस का। प्रेस ऑपरेटर के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI शीट मेटल वर्क ट्रेड का। मैकेनिस्ट के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए IIT मैकेनिक्स ट्रेड के लिए। दोस्तों आपको नोटिफिकेशन PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें जाके इसको पढ़ भी सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए ITI, फिटर के लिए ITI फिटर ट्रेड में, पेंटर के लिए ITI पेंटर ट्रेड में। सिलेक्शन प्रोसेस 1-6 कैंडिडेट के लिए पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस, 7-18 के लिए ऑनलाइन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू स्किल बहुत दोनों हैं। SC ST कैंडिडेट को छूट है। जनरल कैंडिडेट दोस्तों
इसमें आपकी सैलरी बताई गई है सभी पोस्टों के लिए और हाउ टू अप्लाई द कैंडिडेट हैज़ अप्लाई कैंडिडेट। दोस्तों ये आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें आपको एप्लीकेशन फिल करके 13/7 से पहले सेंड करना पड़ेगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स जो जो लगाने हैं उनकी लिस्ट दी गई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, और आपको नीचे ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया है जिसे फिल करके इसके साथ आप डॉक्यूमेंट अटैच करके अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।